राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नगर में राष्ट्रभक्ति हाथों में दंड और घोष की धुन पर कदम से कदम मिलाकर अनुशासनबद्ध तरीके से ग्राम के स्वयंसेवकों ने ग्राम के विभिन्न मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में बरुड़ और आसपास के गांवों से आए करीब 350 स्वयंसेवक पथ संचलन में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ललित सोनी खरगोन, विनोद महेश्वरी खंड कार्यवाहक, राधेश्याम पाटीदार विभाग शारीरिक शिक्षण प्रमुख और मंडल कार्यवाहक सुजीत कुमरावत ने सर्वप्रथम भारत माता की फोटो और संघ की स्थापना करने वाले संचालक केशव बलिराम हेडगेवार की फोटो पर माल्यार्पण किया। वहीं नगर के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला, जिसमें ग्रामीणों ने संघ के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष किया, जिससे वातावरण राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो गया। वहीं थाना प्रभारी ने भी अपनी पुलिस टीम के साथ नगर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया। बरुड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। आज बरुड़ मंडल स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पथ संचलन निकला, वो मालवा प्रांत की योजना के अनुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विस्तारा की योजना हमारी जो थी, पूरे प्रत्येक मंडल में और प्रत्येक खंड में हर जगह विस्तारक गए। विस्तारकों ने पुराने और नए स्वयंसेवकों के साथ संपर्क कर संचलन की योजना तय की गई, जिसके आज संचलन बरुड़ में निकला। और संचलन का हमारा उद्देश्य था सर्व स्पर्शी, सर्वव्यापी और हिंदू समाज संगठित हो, इस उद्देश्य के साथ आज ग्राम बरुड़ में 7 गांवों का पथ संचलन निकाला गया। इसमें लगभग 500 स्वयंसेवक उपस्थित हुए पूर्ण गणवेश के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमरावत, मेरे साथ मेरे मंडल कारवा खड़े हैं सुजीत जी कुमरावत, साथ में खंड कारवा श्री विनोद जी महेश्वरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।